दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि एमएक्स टकाटक और मोज एप्लीकेशन दोनों मर्ज हो गए और अब सबकी आईडी दोनों में मर्ज कर दी गई। ठीक है, तो एमएक्स टकाटक की आईडी आपको मोज में शो हो जाएगी और मोज में जो आईडी होती है आपकी वो एमएक्स टकाटक दोनों में आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और इस पर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एमएक्स टकाटक जो है वो मोज टकाटक हो गया है और उसमें आपको एमएफसी का प्रोग्राम भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एमएक्स टकाटक जो है उसमें भी आपको मोज एप्लीकेशन का जो एमएफसी यानी कि मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम है वो आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर एमएक्स टकाटक का नाम जो है वो टकाटक बाय मोज कर दिया गया है, टकाटक बाय मोज इस तरह से आपके मोबाइल में लिखा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको लाइव रूप के साथ मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एमएक्स टकाटक जो है मतलब कि टकाटक बाय मोज है एप्लीकेशन, इसमें आपको एमएफसी कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे हम। दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता ही है कि एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन मोज एप्लीकेशन के साथ मर्ज हो गई। ठीक है, यहाँ पर अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने इसे अपडेट कर दिया होगा और इसके बाद आप अगर इसके एंटर करोगे तो आप देख सकते हो टकाटक बाय मोज लिखा आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एमएफसी प्रोग्राम भी देखने को मिल गया है। ठीक है, अभी नया अपडेट आया है जिसमें आपको यहाँ से आप एमएफसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा एमएफसी का। ठीक है, जो मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम है मोज एप्लीकेशन का वही प्रोग्राम आपको यहाँ पर भी शो हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो बिल्ड ए मोर एंगेजिंग प्रोफाइल विथ मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम, तो इसमें अप्लाई नाउ का बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई करोगे तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक अपडेट जारी है, मतलब कि एमएफसी में अभी अप्लाई का बटन नहीं मिला है। इस पर जो फॉर्म फिल करना होता है एमएफसी का मोज फॉर क्रिएटर का वो अभी तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर लिखा है बी ए पार्ट ऑफ द मोज फॉर मोज क्रिएटर कम्युनिटी एंड लर्न फॉर्म विद द बेस्ट क्रिएटर इन योर नेच एंड बी ए पार्ट ऑफ कोलाबरेट विथ अपकमिंग स्टार, यानी कि अभी अपकमिंग है और यहाँ पर भी आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो मोज फॉर क्रिएटर का मोज एप्लीकेशन में फॉर्म दिया जाता है। ठीक इसी तरह एमएक्स टकाटक में भी यहाँ पर से आप एमएफसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने के बाद आपको सेम टू सेम प्रोसेस मोज में जो होती है एमएफसी की वही आपको दोहरानी है और इसके थ्रू आपको यहाँ पर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको भी यहाँ पर भी मिंट्स मिलने लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएटर टूल में क्लिक करोगे तो मोज फॉर क्रिएटर का यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया है जो मैंने पहले भी बता दिया आपको। और क्रिएटर टूल्स के बाद यहाँ पर आप नीचे एनालिटिक का भी ऑप्शन आ रहा है, जैसा मोज में है सेम टू सेम यहाँ पर सब फीचर ऐसे ही है। ठीक है, तो एमएफसी का अभी तक नहीं आया था और अभी शो होने लगा है मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम। आप इसी तरह यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो जैसे मोज एप्लीकेशन में करते थे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम हो गया है। यहाँ पर वॉलेट का भी एक ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करने पर आपको मिलता था, लेकिन वो अभी रिमूव कर दिया है शायद, लेकिन हो सकता है अभी एमएफसी का जो प्रोग्राम अपडेट चल रहा है वो आ जाने के बाद आपको वॉलेट का ऑप्शन वापस से देखने को मिलेगा। जैसे मोज एप्लीकेशन में वॉलेट का ऑप्शन ठीक इससे यहाँ पर भी आता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी मोज एप्लीकेशन की तरह एमएक्स टकाटक यानी कि टकाटक बाय मोज एप्लीकेशन में भी यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन शो होने लगेगा और वहाँ से आप अगर एमएफसी में सिलेक्शन हो जाते हो जब भी यहाँ पर अपडेट आता है और इसमें अप्लाई करने पर सिलेक्शन होता है तो आपके भी वॉलेट में मिंट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको भी एमएक्स टकाटक की ओर से यानी कि टकाटक बाय मोज की ओर से आपको भी कॉल आएगा सिलेक्शन के बाद, कॉल के बाद आपको मैसेज भी मिलेगा व्हाट्सएप पे, मोज बडी भी मिलेगा। सेम टू सेम प्रोसेस मोज एप्लीकेशन की तरह यहाँ एमएक्स टकाटक में होने वाली है, तो यहाँ से भी अर्निंग कर पाओगे और मोज एप्लीकेशन से भी अर्निंग कर पाओगे, तो आपके डबल अर्निंग होने वाली है दोस्तों। एकदम बढ़िया अपडेट है ये, तो आप भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए एमएक्स टकाटक में तो अभी डाउनलोड कर दीजिए, काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको डबल होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यही अपडेट था आज के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।